गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 27th ऑफ मार्च के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देखेंगे जिनको हम केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ जो कि है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया ग्रीम सेज ILO रिपोर्ट। अब ये ILO क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सारे शब्द आपको पहले समझने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास सारा का सारा लेबर से रिलेटेड जो डाटा है वो होता है, इनको वो संभालना होता है। इन्होंने ही एक रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट का क्या नाम है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ की निकालती हैं क्योंकि इंटरनेशनल है। अब इन्होंने पूरा का पूरा इंडिया की एम्प्लॉयमेंट को, इंडिया के रोज़गार को ध्यान में रखते हुए कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कहाँ कहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हुए हैं, लेबर में कितने लोग लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज़ में कौन काम करता है, प्रोडक्शन में कौन है, ये सब कुछ डाटा निकाल के इन्होंने बताया। पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी 2024 के नाम से। अब इसी रिपोर्ट की एक बात ऐसी निकली है जो काफ़ी चिंताजनक है। क्या है वो, यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर 2000 से लेके 2024 तक का इसमें डाटा रखा गया है। 2000 से लेके 2022 तक के डाटा को हम इसमें क्लियरली देख पाएंगे, 24 का सिर्फ जनवरी तक का देख पाएंगे और 23 में भी हम इसको बहुत ही कम डाटा को देखेंगे। तो इसी वजह से हम काउंट कर रहे हैं 2022 तक का, किसमें पूरा का पूरा हमारे पास डाटा, पूरे आंकड़े हमारे पास इस रिपोर्ट से हमें मिल जाते हैं। देखिए रिपोर्ट जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने भी इसमें काम किया है और साथ में मिलकर इसको बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 2000 में बेरोज़गारी जो होती थी किसी भी इंसान के लिए जो एजुकेटेड थे और एजुकेटेड होने के बाद भी उनको बेरोज़गार थे, वो कितने होते थे 2000 में, 35% के आसपास यहाँ पर थे, तो 35% होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है 2022 के अकॉर्डिंग, अब ऐसा हो गया है कि ये डबल हो गया है, 65.7% तक ये पहुंच गया है। यानी कि वो लोग जो एजुकेटेड हैं, वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है चाहने के बावजूद भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मानता है या एम्प्लॉयड मानता है जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें एम्प्लॉयमेंट या कोई भी काम नहीं चाहिए, हम नहीं करना चाहते, चाहे भले ही हम पढ़े हुए और कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्टिल हम करना नहीं चाहते, तो उनकी काउंटिंग यहाँ पर नहीं होती है। इसी हिसाब से देखते हैं कि इतना बड़ा यूथ जो नौजवान यहाँ पर है, युवक जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर फिलहाल बेरोज़गार है और इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अब हमारे जो खुद के इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंता नागर स्वामी, उन्होंने एक बात और बोली है। उन्होंने कहा लगातार हम देखेंगे कि मेल फीमेल वुमन का जो भी ये पूरा का पूरा डाटा है, ये रूरल का डाटा है, अर्बन का डाटा है, 2000, 2012, 2019, 2022 तक का, तो कैसे जो हम देख पाएंगे कि मैन थे उनका भी एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। 2000 में देखिए आप कैसे जो आदमी होते थे वो काम कर रहे थे, 75% से ज़्यादा ये थी और अब हम देखते हैं कि 75% से ये कम हो गया है। वुमन का अगर देखें तो वुमन का तो बहुत ही कम हुआ, 2012 में और कम होता है, फिर हम देखते हैं 2019 के आंकड़ों को और 2022 में थोड़ा सा फिर से बढ़ के 2012 के जितना आया। रूरल लेवल पर भी हम देख पाएंगे ये कम हुआ है और अर्बन में भी हम इसको कमी देख पाएंगे। तो हर जगह पर ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जो था वो कम मिल रहा है लोगों को, रोज़गार कम मिल रहा है और बेरोज़गारी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है। इसी के अनुसार हमारा एक इसमें से प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। देखिए कैसे पूछा जाएगा, आपसे एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट के जो रेट हैं वो लगातार 2000 से गिर रही है, तो कुछ ऐसे डिक्लाइन मोड में आपको बोला जाएगा, या तो कंटिन्यूसली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे या स्टीडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे कि स्टीडली ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, हम देख रहे हैं कि ये कम तो हो रहा है लेकिन जब यहाँ पर हमें पता चला था कि कोविड का समय आ रहा था 2019-20 में, उस समय पे जब इकोनॉमिक स्ट्रेस था कंट्री में, तब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के जो रेट थे वो बढ़े थे, इतने ज़्यादा कम नहीं हुए थे, इतने ज़्यादा डिक्लाइन मोड में नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम थे,
लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली के मेंबर थे उनको, बहुत सारे लोगों की ठीक ठाक नौकरियां चली गई थी प्राइवेट से, तो ज़्यादा लोगों को आना पड़ा था काम करने के लिए, निकलना पड़ा था बाहर। और ये एक रेशो है जो आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है याद रखना। अदरवाइज़ इसका इम्पोर्टेंट आप GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस के अंदर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या पूछे नहीं जाते हैं तो क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इकोनॉमिक्स के पेपर में GS पेपर 3 में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप ऐसे के अंदर भी इन आंकड़ों को याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बाल्टीमोर पोर्ट ब्रिज कोलैप्स आफ्टर हिट बाय अ कार्गो शिप मैन्ड बाय इंडियन। देखिए क्या हुआ है, इंडियंस का जो एक शिप लेकर चल रहे थे, इंडियन में एक कंपनी है जो कि है ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी का एक शिप था जिसका नाम था डाली। अब ये जो डाली शिप है, इस शिप के अंदर 22 क्रू के मेंबर थे, यानी कि 22 ऐसे मेंबर थे जो यहाँ पर तैनात थे, इसमें काम कर रहे थे, और 22 के 22 लोग यहाँ पर इंडियंस थे। अब ये जब इस शिप को लेके जाते हैं तो US की एक जो रिवर है उसके अंदर ये जाते हैं, उस रिवर का नाम है पतास्पको रिवर, जिसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा मेटल का यहाँ पर लगभग 2.57 किलोमीटर स्कोट के ब्रिज नाम का यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ था। इसी ब्रिज से ये लोग जो अपना शिप है उसको टकरा देते हैं, और टकराने के बाद में उस शिप के ऊपर 6 ऐसे इंसान चल रहे थे जो पानी के अंदर एकदम से कोलैप्स होने की वजह से, टूटने की वजह से गिर जाते हैं। उनको बचाया जाता है, लगभग ये 1:30 बजे सुबह का टाइम था, 1:30 AM का। 22 के 22 जो कार्गो के शिप के मेंबर्स थे उनको वहाँ से निकाला गया, बहुत सारों को चोट लगी, उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया, 2 सर्वाइवर बच पाए हैं। देखिए क्या हुआ था कि इतने सारे जो लोग हुए थे उसमें से 2 ऐसे सर्वाइवर थे जिनको बचा लिया गया, उनको निकाल लिया गया, क्योंकि वो जो ऊपर से गिरे थे लोग, 6 गिरे थे, उनमें से 5 तो ऐसे हैं जो अभी तक मिल ही नहीं पाए थे। तो सर्चिंग चल रही है अभी भी कि और जो जितने मेंबर्स थे उनको क्या हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लोगों को ढूंढा जा रहा है। क्रू के जो मेंबर थे कुछ उनमें से भी नहीं मिल पाए हैं अभी तक, 2 जो सर्वाइवर थे उनको अभी ले जाकर हॉस्पिटल में वैसे ही एडमिट करवा दिया गया है। सो काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई है, ट्रैफिक जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है पोर्ट ऑफ ब्लोतमोर के पास में, जब तक के लिए मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज इसके बारे में आगे नहीं बताती हैं। मेडे कॉल आ गया है कैजुअलिटीज़ को लेकर कि ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है यहाँ पर, और इसका ध्यान क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि उसी समय पर 8 और शिप वहाँ पर आए हुए थे। दुर्घटना हुई इस एक शिप कार्गो का जो शिप था इसी के द्वारा। ऑफिशियल्स ने ये भी बोला है कि 7 व्हीकल्स जो हैं वो पानी के अंदर प्लंग्ड हो गई है, मतलब कि बिल्कुल नीचे ही डूब गए थे, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, कि कुछ दिनों का उसमें समय लगेगा उनको निकालने में, वो जो पूरा का पूरा शिप था उसको वहां से निकालने में, जो मेटल की चीजें गिरी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे 4 घंटे में उसको पूरा का पूरा रेस्क्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है GS पेपर 3 के लिए। अब ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है, बात की जा रही है द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन इमिशन। अब सबसे पहले तो ये बातें कह रही हैं कि कर्ब करना होगा। कर्ब क्या करना होता है, किसी चीज़ को आपको कम करना होगा, किसी चीज़ को आपको नियंत्रण में करना होगा। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, बात हो रही है ब्लैक कार्बन की। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक कार्बन जो होता है वो कार्बन की ही एक फॉर्म है। कार्बन बनता कैसे है, फॉसिल फ्यूल कैसे होते हैं, और फिर वो बाहर कैसे आता है, उसको हम ज़रा अभी इसके बाद ही समझेंगे आर्टिकल के बाद, लेकिन फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ब्लैक कार्बन जो कि कार्बन की एक फॉर्म है वो एक्चुअली में कहाँ से निकलती है और उसको रोकना क्यों ज़रूरी है। तो ब्लैक कार्बन होता है जब आप किसी भी फॉसिल फ्यूल को यहाँ पर जलाते हैं, किसी भी बायोमास को आप जलाते हैं, और जलाने के बाद वो अनबर्नड रह जाता है, यानी कि पूर्ण तरीके से वो बाहर नहीं निकला है, पूरा वो निकला नहीं है, बाहर पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, कुछ फॉर्म उसकी है जो अभी भी ट्रैप्ड है, जिसको आप दोबारा से जलाएंगे तब वो बाहर निकल पाएगा, और कुछ ऐसी है जो निकल गई है। तो जो बची हुई है अनबर्नड रह गया, मतलब उसको आग तो लग गई थी लेकिन वो पूर्ण तरीके से बर्न नहीं हुआ, पूरे तरीके से जला नहीं, अब वो बन जाता है ब्लैक कार्बन, जो कि कार्बन की सबसे वर्स्ट फॉर्म है, सबसे ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेंट अगर कोई है तो वो होता है ब्लैक कार्बन।
अब इसका प्राइमरी सोर्स कहाँ से है? प्राइमरी सोर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट आई है और उससे हम देख पाएंगे कि कैसे कोप जो 26 है क्लाइमेट टॉक्स में, जो कि नवंबर, कोप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर बातें होती है, नवंबर 2021 में एक्चुअली हुआ था 26 नवंबर को, और उसमें इंडिया ने ये प्लेज किया था, ये कसम खाई थी, शपथ खाई थी कि हम नेट जीरो इमिशन तक पहुँच जाएंगे 2070 तक का इंडिया ने समय मांगा, और उतने समय मानने के बाद भी हम देख पाएंगे कि रिपोर्ट जब आती है तो अब हमें पता चलता है कि बहुत सारा जो यहाँ पर ब्लैक कार्बन है वो निकल रहा है रेजिडेंशियल सेक्टर्स की तरफ से। लगभग 47% जो ब्लैक कार्बन निकलता है वो निकलता है लोगों के घरों से, उसमें से जो बचा हुआ होता है 100 में से तो 22% ऐसा होता है जो कि डीजल से व्हीकल चलते हैं वहाँ पर निकलता है, उसके अलावा 17% जो होता है वो निकलता है इंडस्ट्रीज़ से, जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा होता है, और हम देखेंगे कि बचा हुआ 2% अदर्स कहीं कहीं से थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है घरों का, और घरों में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे दो महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके सामने उन्होंने एक चूल्हा बना रखा और उसमें वो लकड़ियों तथा उपलों का इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये आप जो धुआं देख पा रहे हैं ये भी ब्लैक कार्बन का एक फॉर्म होता है, और हम देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। देखिए, घरों में जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आपको पता है कि घर में सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट कौन होगा, या तो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगी वुमन, महिलाएं, क्योंकि वो यह काम कर रही हैं, या फिर होंगे बच्चे, चिल्ड्रन, क्योंकि वो ज़्यादातर महिलाओं के साथ में घरों में ही रहते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते हैं कि एक स्टडी के अनुसार ये भी बताया गया है कि इससे प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, यानी कि अभी आयु हुई नहीं थी, अभी उम्र नहीं थी डेथ होने की, लेकिन पॉल्यूशन इतना उसके अंदर गया, कार्बन उसके अंदर इतनी गई है बॉडी के अंदर कि उन लोगों की डेथ हो जाती है। हार्ट के जो केसेस हैं, दिल की जो बीमारियां होती हैं, वो इससे बहुत बढ़ती हैं। इसको कब करने के लिए अलग अलग समाधान किए गए हैं, जैसे कि एक किया गया है पीएम उज्ज्वल योजना। अब पीएम जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत फ्री में एलपीजी सिलेंडर बांटे गए उन महिलाओं को जो ऐसे काम करती थी, और उनका हम कहते हैं कि एक तरीके से बजट नहीं था कि वो इसको लेकर आए, ये भी किया गया। इंडस्ट्री में तो वैसे ही इसको कब करना आसान था क्योंकि आप रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकते हो, और इंडस्ट्री में एक्चुअली में ये काम हुआ भी, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है वो हाउसेस में इसी वजह से हुई है, क्योंकि एक बार जब आपने जिसको एलपीजी सिलेंडर्स दे दिया तो ऐसी बहुत ही बड़ी जनसंख्या है, हम देख पाएंगे कि यहाँ पर लगभग 25% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलपीजी का फ्री में सिलेंडर लिया, और उसके बाद में अगर आप इसको नंबर्स में गिनेंगे तो ये लगभग 3 करोड़ लोग हो जाएंगे। इसके बाद में इन्होंने पूरे साल में केवल एक ही बार उस सिलेंडर को भरवाया, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा होता है, हम उस सिलेंडर को किसी को दे रहे हैं आप तो उनका नाम लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको पता होता है कि ये कनेक्शन कौन सा है। यानी कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको शायद एलपीजी जो भरवाना था वो गैस उनको महंगी पड़ रही थी, लग रही थी, तो वो वापस से अपने ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चले गए। 25% ऐसे लोग थे, मान लीजिए 100 लोगों को ये फ्री में एलपीजी दिया गया, उनमें से 25 ऐसे लोग थे जिन्होंने केवल एक ही बार उसको फिलअप कराया, रिफिल कराया, और उसके बाद उसका यूज़ नहीं किया। हम देखते हैं कि इन्हीं 100 में से 35% यानी कि 35 लोग ऐसे थे जो क्या करते हैं कि जैसे एक नॉर्मल घर के अंदर 7 से 8 एलपीजी के सिलेंडर लग जाते हैं पूरे महीने के अंदर, सॉरी पूरे एक साल के अंदर, ये लोग क्या कर रहे थे, 35% जो पीपल बचे हुए थे ये लोग केवल 3 से 4 बार ही उसको फिलअप करा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि 50% यूज़ कर रहे हैं एलपीजी गैस का, जिससे कोई ब्लैक कार्बन या कार्बन नहीं निकल रही है, और ये बचा हुआ जो आधा है उसको क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर रेगुलर जो ट्रेडिशनल उनका मेथड है, चूल्हे का जो मेथड है, या फिर उपले जो बनाते हैं, बायोमास का जो इस्तेमाल है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के लिए इसके लिए क्यों अब प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको कैसे टैकल किया जाए। देखिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने दोबारा से हम देखते हैं अक्टूबर 2023 में सब्सिडी को बढ़ा दिया कि ऐसे जो लोग हैं उनके लिए, पहले वो लोग 200 रुपये दे रहे थे,
अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 300 रुपीज कर दिया, लेकिन इसी के साथ में एलपीजी के प्राइसेस भी तो लास्ट 5 साल से बढ़ रहे हैं ना। तो हम देख पाएंगे कि कैसे एक 14.2 kg का जो एलपीजी का सिलेंडर होता है वो सब्सिडी के बाद भी, जो एडिशनल सब्सिडी आप दे रहे हो उसके बाद भी लगभग 600 रुपये का सिलेंडर पड़ जाता है किसी भी एलपीजी को जो भी उज्ज्वल स्कीम में आते हैं। एंड यूजुअली तो ये 1100-1200 का एक किसी भी विदाउट सब्सिडी किसी को भी पड़ता है। तो ये भी पीएम के जो PMUY के बेनिफिशरीज हैं, यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए काफ़ी हाई इसके प्राइस माने जाते हैं, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए कि जब वो काउ डंग का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो फायर वुड का इस्तेमाल करें, लकड़ियों को काट कर जला रहे हैं, तो इन सबसे तो ज़्यादा वो महंगाई हो गया ना। तो अल्टरनेटिव्स लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एस्टिमेट लगाया गया था कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। हम देख पाते हैं पीएमयू के अंदर सब्सिडीज़ जो दी गई हैं 2024-25 के लिए, और इनको रखा गया है कि और ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को शायद इसमें बढ़ाया जा सकता है, एक हर्डल आ रहा है। बायोमास का पोटेंशियल सॉल्यूशन यही है कि एक लोकल प्रोडक्शन ऑफ कोयल बेड मिथेन बनाया जाए, यानी कि आप जो बायोमास है मान लीजिए उसको क्या करिए, एक जगह पर रखिए और उससे आप क्या कर रहे हो, लोकल प्रोडक्शन कर रहे हो। आपने कई बार देखा भी होगा कहीं पर गाँव में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जहाँ पर गाँव के सभी लोगों को बोला जाता है कि आपके यहाँ पर जितना भी डंग होता है, जितना भी गोबर जो निकलता है किसी भी पशु से, उसको लाइए और उसको इसके अंदर डाल दीजिए। धीरे 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 इससे गैस बनती है और इसी गैस को फिर क्या किया जाता है, इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्लीनर, फूल की तरह क्लीन होता है ये थोड़ा सा। लेकिन फिर इसके भी अनदर प्रॉब्लम है क्योंकि ये मिथेन इसमें बन जाती है, तो मिथेन खुद में क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। हालांकि ये ब्लैक कार्बन से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो अगेन ये क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो यहाँ पर जो ओजोन O3 है वो भी सरफेस लेवल पे बनेगा, जो कि अगेन ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए टॉक्सिन्स की तरह इस्तेमाल करता है, जहर की तरह इस्तेमाल होता है। तो यही एक प्रॉब्लम है। और ग्लोबल स्टेज के ऊपर देखिए, इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर डीकार्बनाइजेशन करेगा, यानी कि कार्बन को बिल्कुल ख़त्म करेगा। और बिल्कुल ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कार्बन को निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भी अगर हो जाएगा तो एनवायरमेंट में कार्बन की कमी हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें उतना ही कार्बन निकालना है जितना कार्बन साइकिल के अंदर फिट हो सके। और कार्बन साइकिल क्या होता है, चलिए एक बार उसको समझ लेते हैं कि कार्बन एक्चुअली में प्रोड्यूस कैसे होती है। उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है, जो कार्बन साइकिल को समझने के बाद आप लोगों को खुद देना होगा इसका आंसर। सवाल कहता है कि कंसीडर कर दीजिए, इनमें से ऊपर में कौन से ऐसे कारक हैं जो कार्बन साइकिल, जो अर्थ होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, उसकी वजह से वो कार्बन वहाँ पर ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्या फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जब उनका डीके होता है वो होती है, या फिर वोल्केनिक एक्शन की वजह से ये होता है। चलिए आंसर हम बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि कार्बन साइकिल होता क्या है। कार्बन दो तीन तरीके के साइकिल्स होते हैं, एक होता है गैसियस साइकिल, दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री में क्या होगा कि चीज़ें टूट टूट कर इकट्ठी होकर वहाँ पर साइकिल बन रही हैं, उसमें फॉस्फोरस साइकिल आता है, सल्फेट साइकिल आता है। गैसियस में हम देखते हैं ऑक्सीजन आता है, मिथेन आता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, और उन्हीं में से एक है कार्बन साइकिल। अब कार्बन को आप देख पाएंगे कि कार्बन जो डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, राइट। इस एटमॉस्फेयर में से जो ये कार्बन है इसको फोटोसिंथेसिस करके पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने अंदर उसको ले लेते हैं। कार्बन से वो अपना खाना बनाते हैं, अपनी लीव्स में अपना खाना रखते हैं, तने में अपनी कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, और यहाँ पर कार्बन से वो अपने आप को बड़ा करते हैं। तो इनका पूरा का पूरा रिसोर्स है, तो ये क्या करें, एटमॉस्फेयर से कार्बन को अपने अंदर ले रहे हैं। जब ये पेड़ की डेथ हो जाती है, डिके हो जाता है, तो डिके होने के बाद ये नीचे जाता है और अंडर कंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बनके, अगर कोई इनसोल्युएबल कार्बोनेट है यानी कि वो पानी के अंदर सोल्युएबल नहीं हो सकती है, मिल नहीं सकती है, तो वो लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। लाइमस्टोन जिसको कि आप चूना भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, वाइट कलर का होता है, तो उसके अंदर हो जाती है। अगर वो सोल्युएबल है तो वो फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल बन जाती है।
हम देखते हैं कि ये फोसिल फ्यूल जो होता है वो फैक्ट्रीज के द्वारा निकाल लिया जाता है या फिर हाउस होल्ड में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और उससे फिर जब इसको जलाते हैं तो वहाँ से फिर से नई कार्बन निकल जाती है जो कि एटमोसफेयर के अंदर कार्बन को पहुँचा देती है। इसके अलावा वोल्केनोज जो फूटते हैं तो नीचे क्योंकि यहाँ पर कार्बन था, ट्रैप हो चुका था, तो वहाँ से भी कार्बन उसके जो धुआँ होता है लावा के साथ में, धुएँ के साथ में भी वो निकलता है। हम देखते हैं कि ये कार्बन वोल्केनो की वजह से भी एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है। फिर एनिमल रेस्पिरेशन, एनिमल जो होते हैं जब वो सांस लेते हैं या फिर आपने देखा होगा जुगाली करते हैं, मोस्टली जो एनिमल जुगालते रहते हैं तो वहाँ से मीथेन प्रोड्यूस होकर निकलती है, लेकिन जब वो सांस ले रहे होते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर निकलता है जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में जाकर इकट्ठा हो रहा है। फिर उसके बाद में जब ये एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये वापस डेड ऑर्गेनिज्म होता है, वेस्ट में कन्वर्ट होता है। वेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद अगेन ये फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें समय लगता है, बहुत सारा टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए, बहुत सारा प्रेशर यहाँ पर चाहिए, और तब ये कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। रूट जब सांसें लेती हैं, यानी किसी भी पौधे की जब रूट्स की रेस्पिरेशन होती है तो वो क्या करती हैं, वो भी कार्बन को रिलीज करके एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देती है। ये था हमारा लैंड का सिस्टम कि कैसे कार्बन लैंड से टेरिटरी के ऊपर से कैसे निकल रहा है। ओशन में भी यही प्रोसेस होते हैं। ओशन में हम देखते हैं कि कैसे कुछ फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं छोटे छोटे, ओशन के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के साथ साथ में अपना फूड बनाने के लिए वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सन की जो लाइट आती है यहाँ पर उसी के साथ में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, और यहीं से ऑक्सीजन भी बनती है पानी के अंदर। जब जो अदर एनिमल्स हैं, मछलियाँ जैसे होती हैं, ये क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं रेस्पिरेशन, सांसें ले रही हैं। अब सांसें ले रही हैं तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनका बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। डीकम्पोजिशन जब भी होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ऑक्सीजन उसमें लग रही है डीकम्पोज करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर थी वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाती है। अब आप मुझे इसका सवाल का जवाब बताइए कि 2011 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है कि इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कौन साइकिल के अंदर यहाँ पर ऐड कर रहा है, जमा कर रहा है एटमॉस्फेयर में, किसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड हो रही है। पहला ऑप्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस से ये ऐड हो रहा है? आप लोगों को भी मैंने अभी भी बताया कि नहीं, फोटोसिंथेसिस से एटमॉस्फेयर से सब्ट्रैक्ट होती है, घटती है, घटा देता है वो, क्योंकि वो अपने अंदर उसको लेके चला गया, तो एटमॉस्फेयर से तो कम हो गया ना। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में 100 ग्राम्स ऑफ यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रही थी, एक पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस करता और यहाँ से 1 ग्राम को निकाल लेता, तो एटमॉस्फेयर में कितनी बची, 99 एग्जैक्टली। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। रेस्पिरेशन क्या ठीक है? हाँ, रेस्पिरेशन ठीक है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक बात है। वोल्केनिक एरप्शन हमने बिल्कुल देखा कि वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन होना चाहिए सी, 2, 3 एंड 4। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर से उसको रिलेट करेंगे तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा प्रीलिम्स के सवालों को समझना भी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, कैन AI हेल्प इन नेविगेटिंग मेंटल हेल्थ। देखिए, AI की बात की जा रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेंटल हेल्थ को काबू में रखने के लिए यहाँ पर मदद कर सकती है। ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है इति भार्गवा, मनमंत गोयल और नम्रता राव के द्वारा, जो कि यहाँ पर हेल्थ केयर इन्वेस्टिगेटर हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं मेंटल हेल्थ इन इंडिया के अंदर, ये रिसर्च करते हैं। ये कह रहे हैं कैसे जो न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेस प्रोग्रामिंग होती है, अगर उसको पर्सनलाइज्ड थोड़ा सा टच दे दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है लोगों की जो भी यहाँ पर मेंटल हेल्थ के कंसर्न से जूझ रहे हैं। इनका बोलना है कि देखिए, हम अब एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर जो थेरेपी है वो बस एक मैसेज से ही दूर है। देखिए क्या होता है कि मेंटल हेल्थ जो होती है इससे लेकर लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से इसको लेकर पिछड़े हुए हैं, वो खुद को मानते ही नहीं हैं कि उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको शर्म आती है, उनको लगता है कि उन्होंने अगर दिमागी बीमारी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी कहा, चाहे उनको एंग्जाइटी हो रही हो, चाहे उनको डिप्रेशन हो रहा हो, उनको लगता है कि आस पड़ोस के जो लोग होंगे अवेयरनेस इससे रिलेटेड है नहीं और वो उनका मजाक बनाएंगे, और किसी को भी पता चला कि वो थेरेपीज पर जाते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठेंगे कि वो दिमागी रूप से पागल हो गए हैं।
तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, खासकर कि अर्बन सिनेरियो में भी यही चीज़ें हैं, और रूरल सिनेरियो के अंदर, रूरल जो इंडिया, ग्रामीण जो भारत है, उसमें तो ये और ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा देखने को मिलता है। इसी वजह से लोग जूझते रहते हैं इन सारी चीज़ों से। मेंटल हेल्थ आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम्स का बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, पढ़ाई का, स्पोर्ट्स का होता है, बहुत सारे प्रेशर की वजह से हम जो ह्यूमंस, जिनका इवोल्यूशन इस प्रकार से नहीं हुआ है कि वो इन सारे प्रेशर्स को लगातार अपने माइंड के ऊपर लेता रहे, तो हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी को इंसोमनिया हो जाता है, किसी को ढंग से नींद नहीं आती है, किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ये होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। इससे रिलेटेड स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है लोगों को, जिनमें वो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। तो जब वो स्टार्टिंग में उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं, थेरेपीज नहीं लेते हैं, तो ये क्या होता है कि इस तरीके के बड़े बड़े पैमाने पर फिर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एक कारण तो है शर्म, कि लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थेरेपीज में जाना नहीं चाहते। दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न यहाँ पर होता है कोस्ट, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आप किसी भी अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो एक सेशन का आपका जो रेट हो सकता है वो 500 से 5000 तक के रुपये का यहाँ पर नॉर्मली हो सकता है। और ये सेशन में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का आपको समय दिया जाएगा। अब क्योंकि कोई इंसान एक बारी में इतना खुल नहीं सकता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता नहीं सकता, तो उसको मल्टीपल सेशंस लगाने पड़ते हैं। हो सकता है किसी को 10 सेशंस की ज़रूरत हो, किसी को 20 सेशंस की ज़रूरत हो, और तब धीरे धीरे दवाइयों के साथ में क्या प्रॉब्लम्स है वो लोग उससे बाहर निकल पाते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इसको यहाँ पर ले सकते हैं, इसको अटेन कर सकते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर AI जो है वो हेल्प कर सकता है लोगों को, आप दोनों ही तरीके में। क्योंकि आप किसी रियल डॉक्टर के पास तो यहाँ पर नहीं जा रहे हो, तो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको शर्म नहीं आएगी कि किसी को पता ना चल जाए। आप अपने घर पर AI के साथ में अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि इसकी कॉस्ट कोई खास नहीं होगी, आपको बार बार सेशंस के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये जो AI होगी ये काम करेगी यहाँ पर न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। अब न्यूट्रल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो AI होगी वो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उनको समझेगी, और ह्यूमन का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है कि वो जिस तरीके से बात कर रहा है, बोल रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या फिलहाल चल रहा है, उन सारी चीज़ों को वो समझेंगी। अब उसका जो पूरा का पूरा डाटा होगा जिस पर वो काम करेंगे, उसमें सभी की सभी जितनी भी बुक्स होती हैं यहाँ पर थेरेपी से रिलेटेड, जितनी भी लिंक्स होते हैं, वो सब कुछ उसमें पहले ही सेट कर दिया गया होगा। यानी किसी डॉक्टर को जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतनी ही इन्फॉर्मेशन उससे होगी। लगातार वो आपसे सवाल पूछेगी, और सवाल पूछने के बाद अगर उसको लगेगा कि आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, तो वो आपको वहाँ पर भेजेगी। तो ये इस तरीके से क्या हो सकता है कि एक रिवोल्यूशन आ सकता है यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के अंदर। अब देखिए, ये रोज़ के आर्टिकल्स होते हैं, कभी AI की इम्पोर्टेंस हम इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं, कभी AI की इम्पोर्टेंस हम यहाँ पर एजुकेशन की फील्ड में देख रहे हैं, आज हेल्थ में देख रहे हैं। मान लीजिए आपसे मेंस में सवाल आ जाता है, मेंस में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी रिवोल्यूशनरी क्यों है, पहली बात आप इसमें बताएं कि इसके रखने के नुकसान क्या क्या है, क्योंकि नुकसान भी तो हमने बहुत देखे ना, तो एनालाइज करने को बोल दिया जाता है। अब आपको इसका पॉजिटिव्स बताने होंगे, अब आप इसके नेगेटिव्स भी आपको बताने होंगे। नेगेटिव्स में आप बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से किसी न किसी चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है, चीज़ों को बदला जा सकता है, झूठी चीज़ों को ठीक दिखाया जा सकता है, तो ह्यूमंस के लिए खतरनाक है, गलत है, इलेक्शंस वगैरह में लोग इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव में आप बताएंगे हेल्थ में ये काम आ सकता है, चीपर कर देता है, एजुकेशन में, पढ़ने में, रिसर्च में, इन सारी चीज़ों में ये मददगार साबित हो सकता है। तो ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जो आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं, क्योंकि ऐसा अभी कोई किताब तो इसके ऊपर आई नहीं है, और आप हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक किताब तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, तो इसी वजह से न्यूज़पेपर जो है वो डेली के डेली यहाँ पर पढ़ते रहना चाहिए। अब ये क्लिनिक्स में भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी मदद कर सकता है। अभी तक तो ये क्या कर रहे थे, जो विक्टम्स है, जो पेशेंट्स है, सिर्फ उन्हीं को हेल्प हो रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लिनिक्स के अंदर जो मेंटल हेल्थ इलनेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोज होता है किसी भी बीमारी को होने का।
मान लीजिए आप मेंटली बहुत परेशान चल रहे हैं और आपको आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने मेंटल हेल्थ से क्योंकि थेरेपीज नहीं लिए, तो उसी से आपको क्या होगा, बॉडी में कोई नई बीमारी भी हो जाएगी। मे बी हाइपरटेंशन हो सकती है, मे बी ये हाइपरटेंशन बढ़ के फिर आपका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होने लगेगी, ओबेसिटी से फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएंगी। तो अलग अलग बीमारीज जो होती हैं, वो हो सकता है कि कोई बीमारी पहले हुई हो उससे आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो गया है, या फिर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपको पहले हुई हो और उससे आपको हेल्थ जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है। तो ये उसको एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में यहाँ पर मदद करवाएगा, क्विक होगा, थोड़ा तेज़ी से डायग्नोसिस करवा पाएगा। बहुत सारे डाटा सेट यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, एआई के टूल्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चीज़ों को समराइज करके इन्फॉर्मेशन को क्लिनिकल नोट्स के अंदर डाल दिया जाए। पेशेंट से जो कन्वर्सेशन होती है, न्यूरो इमेज कैसे बन सकती है, किसी के दिमाग की हम कैसे न्यूरॉन्स की इमेज बनाएंगे, और उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को यहाँ पर एक जगह सेट करके रखने में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी यहाँ पर मदद मिलेगी। तो यही है कि स्पीड अप कर देगा ये। अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई टास्क एक इंसान बैठ के ले रहा है, तो चीज़ों को ये क्या करेगा, थोड़ा स्पीड अप कर देगा। और जिसको काफ़ी जल्दी थी, जिनको उनकी हेल्थ जो है वो रोज़ की रोज़ ख़राब हो रही है, और जितना जल्दी उनको ये ट्रीटमेंट मिल सके उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इट इज़ टाइम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू म्यूनसिपल इलेक्शन। देखिए, म्यूनसिपल के इलेक्शन से रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। हमें पता है कि म्यूनसिपल के जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 74th अमेंडमेंट के बाद में। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाता है, जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर नए दो शेड्यूल्स को जोड़ देता है, जो कि है 11th एंड 12th शेड्यूल। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है किसी भी म्यूनसिपल का रिलेटेड या पंचायत के रिलेटेड, वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे पास दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया का तो एक्चुअली एक ही होता है, इलेक्शन कमीशन दो होते हैं, तो एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है, वो संभालता है यहाँ पर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो संभालता है लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबलीज होती हैं आपकी, स्टेट की काउंसिल्स होती हैं उनके इलेक्शंस को। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, मेनली दो प्रॉब्लम देखी गई है। पहली देखी गई है कि या तो जो म्यूनसिपल के इलेक्शंस होते हैं उनमें इलेक्शंस ही टाइम पे नहीं हो रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जा रही हैं। हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर केरला का एग्जांपल दिया गया, जिसमें लगभग 5 से 6 महीनों तक का डिले देखने को मिला। कुछ ऐसी स्टेट्स है, कर्नाटका जैसी, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि 2-2 साल तक इलेक्शन ही नहीं करवाए जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन अब उनको अपीयर करने में, अब जो वहाँ पर जीते हैं उनको देने के लिए भी यहाँ पर डिले कर दिया जाता है 12 से 24 महीनों तक का। अलग अलग स्टेट में हमें अलग अलग डाटा दिखाई दे रहा। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसी में हम देखते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार यहाँ पर बोला है कि जो म्यूनसिपल होते हैं और पंचायत होती है उनको 5-5 साल का टेन्योर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 5 साल के लिए इलेक्शन करके उनको रखना ज़रूरी है। अभी भी एक केस होता है 2022 के अंदर, जो कि था सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो सुरेश महाजन केस होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बताते हैं कि देखिए, अगर आप टाइम से इलेक्शन नहीं करा रहे हो अर्बन लोकल बॉडीज़ का, तो आप क्या कर रहे हो, यूएलबीज़ के साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, आप संविधान को इसमें ब्रीच कर रहे हो, तो ये गलत बात है, इसको करवाना होगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसी हो जाती हैं कि जो फिर भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी 35 जितनी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको मिलाकर ये डाटा निकाला गया है। इसमें से हम देखते हैं कि एक मेघालय को छोड़कर सभी स्टेट के पास खुद का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और वहाँ पर भी वो पूरे के पूरे ठीक तरीके से काम नहीं करता है। ये दो हमेशा चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। पहले चैलेंज को तो यही है कि टाइमली आप इलेक्शन कराएंगे तो चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, और इसी का जो आर्टिकल है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है और उसके अंदर आर्टिकल 243U आता है, तो हमें पता चलता है कि 5 साल के लिए बातें करता है बनने की। तो एक्सपायरी होने से पहले, मान लीजिए 5 साल में ये टर्म है, और ये टर्म कब से कब है हम देखते हैं, 2021 से ये शुरू हुई है और 2025 तक ये रहने वाली है। अब
इस आर्टिकल के द्वारा लिखा गया है कि 6 महीने पहले इलेक्शन ख़त्म होने वाला है, मान लीजिए दिसंबर 2025 के अंदर टेनोर इनका ख़त्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि जून के अंदर आप यहाँ पर इलेक्शन जो आने वाला होगा, म्युनिसिपल पार्टी जो बनेगी, चाहे वो अलग अलग मेयर के लिए इलेक्शन हो, चाहे वो पूरी किप्री काउंसिल के लिए इलेक्शन हो, उसको आप 6 महीने पहले ही यहाँ पर करवा देंगे। तो वही है कि जून 2025 में अगर टेनोर ख़त्म होने वाला है तो आप क्या करेंगे, जनवरी 2025 के अंदर यहाँ पर इलेक्शन करवा देंगे। तो 6 महीने के आपको आगे का टाइम फ्रेम रखना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखिए, अगर ये टेबल को हम पढ़ेंगे तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी काउंसिल हैं स्टेट एंड यूटीज़ में जहाँ पर इलेक्टेड काउंसिल है ही नहीं। अंडमान और निकोबार में टोटल एक ही अर्बन लोकल बॉडीज़ है, यहाँ पर इलेक्टेड भी एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंध्रा में 120 टोटल अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट बननी चाहिए, उनमें से केवल 31 ऐसी है कि जो यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी इलेक्टेड काउंसिल नहीं बैठी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखेंगे 19, उसमें कोई भी नहीं है। असम में 102 में से 102, आप ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपके पास में 102 म्युनिसिपल पार्टीज यहाँ पर बननी चाहिए और उनमें से 102 ही ऐसी हैं जिन पे अभी तक कोई इलेक्शन हो गया, किसी को बिठाया ही नहीं गया है। तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा ही हम देखेंगे कि यहाँ पर गोवा के अंदर 8 हैं, गुजरात में 3 ऐसी हैं, हरियाणा के अंदर टोटल जहाँ 92 ही अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्युनिसिपल पार्टी जहाँ बननी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, उनमें से 75 ऐसी है कि जिनके ऊपर हुआ ही नहीं है। कर्नाटका के अंदर आप देखेंगे 207 ऐसी हैं जिन पर कोई इलेक्शन काउंसिल नहीं है। इवन MP में ये आंकड़ा कम है। और ऐसे ही हम देख पाएंगे ओडिशा के अंदर कि टोटल 114 में से 114 ही यहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु में 664 यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स बननी चाहिए, उनमें से 664 ही ऐसी है जिनके ऊपर अभी भी टाइमली कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बैठी हुई है। तो ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, कुछ स्टेट्स के आप नाम देख पाएंगे। ऐसे ही वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल को हम देखेंगे, तमिलनाडु को यहाँ पर देखेंगे, ये ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। तो टोटल देश के अंदर 4,776 म्युनिसिपल बनने चाहिए, लेकिन उनमें से 1,484 ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई इलेक्शन बना के यहाँ पर पार्टी नहीं बैठी हुई है। अर्बन लोकल बोर्ड गवर्नमेंट्स जो हैं वो विदाउट इलेक्टेड काउंसिल के साथ में भी, अब देखिए एक होती है असेंबलीज, दूसरी होती है काउंसिल, तो उनकी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो जिनमें नहीं है, तमिलनाडु सबसे ऊपर है क्योंकि यहाँ पर 664 है जिनका कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं हुई है। MP जो है वो सेकंड नंबर पे 347 के साथ, कर्नाटका 210, पंजाब 129, हरियाणा 50, मणिपुर 27, राजस्थान 6, झारखंड 15। तो इस तरीके से ये चल रहा है कि ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इलेक्ट करके नहीं बिठाई गई है। अभी टाइम यही आ गया है कि जो भी यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं बैठे हुए होते हैं वो अपना पूरा का पूरा रोल निभाएं, वो इलेक्शंस टाइमली करवाएं और इसमें पूरी की पूरी अपनी एफिशिएंसी करवाएं। क्योंकि देखिए, जब हम बनाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से पावर को नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला आपको समझना होगा फेडरलिज्म को समझते जाएं, अब सॉरी नॉट फेडरलिज्म, यहाँ पर क्या समझना चाहिए आपको, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, आपकी जो पावर होती है वो ऊपर से नीचे जा रही है। सबसे ज़्यादा पावर हम देखते हैं PM के साथ है, सेंटर में, फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, CMs के साथ में थोड़ी बहुत बांटते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को अलग अलग करके रखा गया, कोई किसी के नीचे नहीं है, बल्कि हम ऐसे हॉरिजन में देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि पावर यहाँ पर आती है म्युनिसिपैलिटीज़ के साथ में, और फिर हम देखते हैं पावर होती है पंचायत के पास में, ये भी एक दूसरे के इस तरीके से हॉरिजन में आते हैं। लेकिन अब आप एक बात को समझिए कि गांधी जी की जो हमारे DPSP भी जो है वो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर लोकल जो लेवल है वहाँ से आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाते शुरू होना चाहिए, यानी कि पावर नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एक है जो सबसे सुटेबल माना जाता है डेवलपमेंट करने के लिए, और वही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इवन अमेंडमेंट तक हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुके हैं केसेस के अंदर में, और ये प्रॉब्लम्स के होते हुए भी यहाँ पर रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक था हमारा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है इंडिया स्पोर्ट्स फिलीपियन सॉवरेनिटी सेज जयशंकर स्पार्क्स बीजिंग रिस्पॉन्स। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि फिलीपियंस है कहाँ, तो हम देख पाएंगे फिलीपियंस को यहाँ पर थाईलैंड, चेन्नई, ये हो हमारा इंडिया, इंडिया के बाद में हम देखते हैं ऊपर है थाईलैंड और यहाँ पर मलेशिया, और इधर आते ही आ जाता है फिलीपियंस। तो फिलीपियंस से अगर आप ऊपर की तरफ
जाएंगे तो चाइना को देख पाएंगे। ताइवान यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है चाइना का एरिया है। और ये जो चाइना का एरिया है यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा बीच में आप समुद्र को देख पाएंगे, ये मैरिटाइम प्रॉब्लम है। आप देखिए अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंगली अगर हम इंटरनेशनल तरीके से जाए तो हर जो यहाँ पर 25 नॉटिकल माइल तक का आपको एरिया दिखाई देता है वो होता है किसी कंट्री का। तो फिलीपींस यहाँ पर है तो ये 25 नॉटिकल माइल मान लीजिए हम यहाँ तक का मानते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया होगा फिलीपींस का। इससे आगे जब ये 200 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स का क्या मतलब है, समुद्र को नॉटिकल माइल्स के अंदर ही मापा जाता है, वहाँ पर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर जा सकते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना इस काम को रोकता है, वो इनके शिप्स के साथ में भी लड़ने को तैयार है, कह रहा है कि ये मेरा पूरा का पूरा साउथ चाइना सी यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरा एरिया, यहाँ पर तुम नहीं आओगे। इसी वजह से फिलीपींस जो है उनकी थोड़ी सी चाइना के साथ में प्रॉब्लम रहती है। देखिए बिल्कुल भी ये लोग अपना टेरिटरी, कोई बॉर्डर यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं दोनों कंट्री, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैरिटाइम समुद्री से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है रास्तों को देखते हुए। इसी बीच में क्या होता है कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जाते हैं फिलीपींस और वो मिलते हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस से। इसी के साथ में फिलीपींस के जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर हैं इनक्रोया मनोला, वो भी यहाँ पर पार्ट है। और हमारे मिनिस्टर क्या करने वाले हैं, 5-3 जो नेशन है इसमें इंडिया आता है, सिंगापुर आता है और फिलीपींस आता है, ये 5 दिनों के टूर के ऊपर है। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं सिंगापुर के अंदर, फिलीपींस के अंदर और मलेशिया के अंदर, इस तरीके से जाएंगे। और एस जयशंकर ने बोला है कि वो यहाँ पर फिलीपींस के साथ में खड़े हुए हैं कि अगर उनको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की तो वो फिलीपींस के साथ में है यहाँ पर। लेकिन ये कहने के बाद में, सॉवरेनिटी क्या होती है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि फिलीपींस की खुद की आज़ादी, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। चाइना की तरफ से, चाइना की कैपिटल बीजिंग की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि कोई भी थर्ड पार्टी हमारे बीच में ना बोले और ये हमारे और फिलीपींस का मामला है। लेकिन चाइना शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर डर भी रहा है। क्यों डर रहा है, क्योंकि फिलीपींस इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो खरीद रहा है और उसकी डिलीवरी अभी शुरू होने वाली है और उसी से चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनके पास भी अगर मिसाइल आएंगी तो चाइना जो अपनी इतनी अथॉरिटी यहाँ पर दिखा रहा था वो नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा हमारी और ज़्यादा जो टाइज हैं, हमारे जो और ज़्यादा रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो और अच्छे हो रहे हैं फिलीपींस के साथ में। एस जयशंकर जो हम इसके ऊपर बात भी करते हैं कि कैसे हमारा कोऑपरेशन ग्रो कर रहा है दोनों कंट्रीज़ का। इसी में जो इशू है जो कि इंडो पैसिफिक म्यांमार और यूक्रेन वार से रिलेटेड है, उसमें भी यहाँ पर कॉमन हम लोगों के विचार हैं, जैसे कि यूएन एंड नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ ये लगे हुए हैं। तो यही है कि फिलीपींस एक ऐसा नेशनल है जो पर्सनल लेवल पे इंडिया उनकी मदद करेगा अगर उनको डिस्ट्रेस आएगा तो, अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होंगे, ये बोला जाता है हमारे मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ASI विल डीलिस्ट सम लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स, व्हाट हैपनिंग एंड व्हाई। देखिए ASI सबसे पहले क्या होता है, ASI होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है वो बनता है 1861 के अंदर, अंग्रेजों के टाइम में इसको बनाया गया था। और उन्होंने इसको बनाया था कि वो यहाँ पर इंडिया की जो आर्कियोलॉजी होती है, यानी कि पुरातत्व जो होता है, पुरातत्व विभाग भी आप इसको बोल सकते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग। और इसका काम होता है कि प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको पहले तो पहचानना कि वो किस समय से आती हैं, फिर उनको कंजर्व करना। कंजर्व क्या होता है, उनको संरक्षण करना, उनको सुरक्षित रखना है, ये काम करना होता है ASI का। ASI जो है वो इसके बाद 2 एक्ट इस पे आते हैं। सबसे पहले जो एक्ट है जो आज तक चल रहा है वो था द एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में ये आता है। दूसरा एक्ट है जो कि है द एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। अब आप देख पाएंगे कि ये पहला ऐसा आपका एक्ट आता है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ में आया था। इसको बोला जाता है ओबियसली AMSR एक्ट।
यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो मोन्यूमेंट्स हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है उसको आपको रखना है, फिर कोई साइट्स है जैसे कि कोई हड़प्पा की कोई साइट है कोई निकल कर आई है उसको आपको सुरक्षित रखना है, और फिर जो रिमेन्स है उसमें से कुछ बचा हुआ है, आपको कोई तलवार मिल गई है पुरानी उसको भी आपको सुरक्षित करना है। तो ये होता है पूरा का पूरा इस एक्ट के तहत 1958 में ये आता है। अब इसके अंडर हम देख पाते हैं यहाँ पर लगभग 3,500 से ज़्यादा ऐसी साइट्स हैं, ऐसी मोन्यूमेंट्स हैं जिनको ASI प्रोटेक्ट करता है। तो ये कितनी है टोटल 3,693 मोन्यूमेंट्स। अब इनको प्रोटेक्ट करने के बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, इनको प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं या तो वो अर्बनाइजेशन के तहत शहरीकरण की तरफ वो यहाँ पर आते हैं और इन साइट्स के आसपास बस जाते हैं और यहीं से इनको तोड़ कर इनकी ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि अमरावती के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर जो स्तूपा था अमरावती का स्तूपा उसके साथ क्या होता है, बौद्ध धर्म का वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्तूप होता था लेकिन उसको लोगों ने उसकी ईंटों को भी चुरा लिया और इसी वजह से उसका अच्छे तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इतिहास से वो बहुत ही छोटा पहलू एक तरीके से बन के रह गया। हालांकि सांची का जो स्तूप है उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया और इसी वजह से आज भी वो हमारे सामने है और प्राचीन की बहुत सारी बातों को इतिहास को हमारे सामने खोलता है। अब क्या होता है कि लॉस्ट हो जाते हैं, ASI अभी क्या करने वाली है, डीलिस्ट करने वाली है। उनकी जो लिस्ट है उनमें से यहाँ पर 18 ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जिनको डीलिस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं डीलिस्ट होता है क्या। डीलिस्ट का मतलब है कि अब वो मोन्यूमेंट एक्चुअली में मिल ही नहीं रहे हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा करनी थी लेकिन अब ये मोन्यूमेंट कहीं मिल नहीं रहे, इनका ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, इनको अर्बनाइजेशन कर लिया गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उनको गलत कर दिया है उसके साथ में बेसिकली। ASI अगर आप पूछेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है ये आर्टिकल, तो GS पेपर 1 के अंदर हम देख पाएंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर में, क्योंकि ASI खुद में जो आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, तो इसी के अंदर ये बना हुआ है। और हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को ये बताती है कि कैसे यहाँ पर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन के लिए हमने किया हुआ था उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाई। अब आप लोग सवाल उठाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब इनका जिम्मा इनको बनाया ही इसी वजह से गया है कि इनको इनको प्रोटेक्ट करना, तो वो क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों डिलीस्ट करते हुए जा रहे हैं। इसका कारण आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा ASI के द्वारा ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कि उनको यहाँ पर लगभग 7,000 पर्सोनल की ज़रूरत है सिक्योरिटी के लिए। अब ये 7,000 आर्मी के लोग भी हो सकते हैं, ये 7,000 लोगों में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी हो सकते हैं ताकि उन लोगों को रोक पाए, लेकिन फिलहाल ASI को केवल और केवल यहाँ पर 2,500 सिक्योरिटी पर्सोनल ही दिए गए हैं और ये भी केवल 248 लोकेशन के ऊपर ही तैनात है। तो लोकेशन तो यहाँ पर बहुत सारी है, करंटली हम देखेंगे कि लगभग 3,500 ऐसी लोकेशन है जहाँ पर पर्सोनल को होना चाहिए। कारण इसका बताया जा रहा है बजटरी कंसेंट कि उनको इतना ज़्यादा फंड नहीं मिल रहा है कि उनको बजट ही नहीं दिया जा रहा है कि उनके पर्सोनल हो सके, प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो फंड उनको मिलता है वो कह रहे हैं कि हम उसको नई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में रिसर्च के अंदर भी लगा देते हैं, हमें सिर्फ इन्हीं को सेफ नहीं रखना है, रेदर हमें नया भी तो ढूंढना है ना, इतिहास में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो यही एक कारण है कि जिनकी वजह से ASI जो है वो ढंग से इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, ये एक इशू निकल कर आ रहा है। आपने कारणों को यहाँ पर देख लिया है कि अर्बनाइजेशन शहरीकरण इसमें एक समस्या हो रही है, फिर लोग आते हैं लालच में आके यहाँ से कुछ भी उठा के लेके चले जाते हैं और यही एक प्रॉब्लम है। चोरी की यहाँ पर बहुत होती है, पायरेसीज बहुत होती है इन चीज़ों को लेकर, इवन हम देखते हैं टेंपल की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा जाता है बाहर बेचने के लिए। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ASI क्या कर पा रही है, इनको ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि ये फूटिंग द क्लाइमेट एक्शन बिल 2009 के यहाँ पर याद करते हुए अमिताभ सिन्हा जो है वो इस आर्टिकल को लिखते हैं कि कैसे 2009 में जब कॉप हुआ था तो उस समय पे ये बोला गया था कि जो डेवलप कंट्री होंगी, विकसित कंट्री होगी, वो $100 बिलियन यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन के लिए देंगी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर उनकी मदद की जाएगी क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान नहीं दिया जितना उनको अब सहना पड़ रहा है। ये होता है। अब स्टार्ट होता है COP 29। देखिए COP 29 जो है वो अब होने वाला है यहाँ पर शामले चकंदर के अंदर, जिसके अंदर आपका एक सेटअप
लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर बनाया गया। तो COP22 जो हुआ था उसके अंदर ये बना था, उसमें कोई भी खास से यहाँ पर पैसे दिए नहीं गए थे। दुबई के अंदर फिर से ये कॉन्फ्रेंस होती है, लास्ट ईयर 2023 में हम देख पाते हैं, जहाँ पर एक GST या फिर ग्लोबल स्टॉक टेक यहाँ पर बनाया गया, जिसका काम था कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए 2030 तक यहाँ पर बहुत सारे फंड को इकट्ठा करना, पैसों को इकट्ठा करना। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसमें पैसे दिए, कुछ ने पैसे नहीं दिए, ये एक प्रॉब्लम हो गई। इसी की वजह से अब क्या होता है कि नवंबर 11-24 तक यहाँ पर जो बाकू अजबाकिस्तान है उसके अंदर COP20 को हम देख पाएंगे, और उसमें यहाँ पर बोला गया है कि NCQG को बनाया जाएगा। अब NCQG क्या होता है? न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल। फाइनेंस के ऊपर ये बेसिकली होने वाला है, क्योंकि अब प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंस से रिलेटेड, आप फाइनेंस ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। तो पूरी कोप का पूरा मुद्दा ही यही है, और इसके अंदर यहाँ पर 100 बिलियन जो भी हायर डेवलपमेंट है उनको देना पड़ेगा, कंट्रीज़ को कलेक्टिव होके, जो वो फेल हो गए थे उतना पैसा उनको देना होगा। यूनाइटेड नेशंस जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस करवाता रहता है, तो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर है, इसके तहत में जो कॉन्फ्रेंस होती है इनको भी 2023 तक यहाँ पर लगभग $6 ट्रिलियन पैसे इकट्ठे करने होंगे, अगर क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनसे लड़ना है। तो 1 बिलियन के अंदर हमें पता है 100 करोड़ रुपये होते हैं, 1 ट्रिलियन के अंदर यहाँ पर 1 लाख करोड़ होता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बात बिलियंस की नहीं हो रही है, पहले क्या हो रही थी कि 100 आपको बिलियन देने, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आपको देने थे, अब ट्रिलियंस में बात पहुँच गई है कि 6 ट्रिलियन 2030 तक इकट्ठे करने पड़ेंगे। बहुत ही बड़ी ये संख्या है, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स कह रहे हैं कि जब इतना कम हमने डेवलप्ड कंट्रीज से मांगा था तभी वो इसको दे नहीं पा रहे थे। तो आयरनिकली यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो खुद में यहाँ पर इन काम को करवाने वाली है वो खुद यहाँ पर पैसे की तंगी से जूझ रही है, शॉर्टेज ऑफ फंड वहाँ पर हो रहा है। इसी वजह से हम देख पाएंगे कि यूएन के क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन डजंस एक साल के अंदर यहाँ पर दर्जनों के अंदर मीटिंग्स कराती है, वो अलग अलग एग्रीमेंट कराती है, वो ही अपना जो वर्क है वो वॉलंटरी केस पे कर रही है कि जो इच्छुक है वो यहाँ पर आकर काम करे, ताकि जो शॉर्टेज हो रही है फंड्स की उसको किसी तरीके से मेंटेन किया जा सके। अब मान लीजिए यहाँ पर जो कंट्रीज होंगी वो फंड प्रोवाइड करवाएंगी भी, क्योंकि सभी को क्या करना है, पूरे के पूरे अर्थ को बचा के रखना है। अब जो ये मनी आएगी तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए, डिलीवरी जो है अमाउंट की वो अभी भी क्रिटिकल है कि कितने 2030 तक आ पाएगी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पहले जो प्रॉमिस किए गए थे 2009 में प्रॉमिस किया, उसके बाद 2020 में ये प्रॉमिस हुआ कि हम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो क्रिटिकल है, पता नहीं ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी वो मेक श्योर करना चाहती हैं कि एक ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव अमाउंट जरूर दिया जाए, क्योंकि इसका भुगतान डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी बाढ़ और फेमाइन दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, इंडिया का जो मुंबई होने वाला है वहाँ पर बाढ़ आएगी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन था, एरा था, उसके अंदर में कोई भी इतना बड़ा अहम रोल नहीं निभाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अब उन्हीं को इसमें फेस करना पड़ेगा। तो यही है कि जो अब नया सम आएगा उसको अलग अलग नीड्स के लिए, अलग अलग जरूर के लिए बांटा जाएगा। मान लीजिए किसी कंट्री में, जैसे कि तुलवा को हम देख पाएंगे कि ऐसा आइलैंड है जो पानी में 2024-25 तक पूरा का पूरा डूब चुका होगा, तो वहां से जो लोगों को निकाला जाएगा उनको मिटिगेट करना पड़ेगा, उनको वहां से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में लॉस एंड डैमेज का जो फंड है कि उन्होंने जो खोया, उनके घर खोए हैं, तो उसको दोबारा से उनको हेल्प दी जाएगी ताकि वो अलग से फिर से रह पाए। अदर और रीजन्स होंगे जिनमें ये सारी चीज़ें एक्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा और मनी को उसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये है पूरा का पूरा क्लाइमेट एक्शन बिल जो अब होने वाला है। याद रखिएगा नवंबर में ये होने वाला है बाकू के अंदर, और बाकू कहाँ है? अजरबैजान के अंदर। तो इसको पूरे तरीके से प्रीलिम्स के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट एक्शन जो भी ये प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेन्स में GS Paper 3 के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ICCC फार्म डाटा डैशबोर्ड फॉर कस्टमाइज सॉल्यूशन। देखिए एक क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है उनकी तरफ से, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इनोग्रेट किया है कृषि इंटीग्रेटेड
कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर, देखिए IEEE का क्या मतलब है, कृषि यानी कि जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, उससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाएगा हर चीज़ को, और वहीं पे उसको कमांड दी जाएगी, कोई बातें बोली जाएंगी और उसी को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा मीनिंग है। इसको सेटअप किया है कृषि भवन के अंदर। कृषि भवन कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसको सेटअप करने के बाद में अब ये बातें हो रही है कि ये क्या काम आएगा। ऑफिशियल्स का मानना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के अंदर, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा रहा है। अब ये कृषि IEEE क्या होता है? टेक बेस्ड सॉल्यूशन है, जहाँ पर मल्टीपल जो IT एप्लीकेशंस होंगी उनका इस्तेमाल होगा। एप्लीकेशन से मेरा यहाँ पर मतलब होता है ऐप्स, यानी कि जैसे आप फ़ोन में ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पर होगा। प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे जिसमें ताकि अच्छे से इन्फॉर्मेशन के बाद में जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छे डिसीजन ले पाएँ। सेंटर जो है वो इसको मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ में इस पर काम करेंगे। इसका जो लेजिस्लेशन होगा, कानून होगा, वो वही बनाएंगे। पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर, उस पर भी यहाँ पर काम होगा। ICC को अगर आप विजुअल देखना चाहते हैं तो एक 55 इंच की इसमें LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जहाँ पर भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, और उसके अंदर सभी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। वहाँ पर क्रॉप यील्ड कितनी निकल पा रही है, प्रोडक्शन कहाँ से कितना हो रहा है, कहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है या आ सकता है सूखा, सिचुएशन कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है रीजन वाइज और ईयर वाइज, मैप के अंदर पूरा दिखाया जाएगा और ये सारे के सारे व्यूज़ होंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बनाया जाएगा कि कृषि से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप किससे सपोर्ट ले सकते हैं। उसमें माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे आप फ़ोन करके उनसे कोई भी फार्मर पूछ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि माइक्रो पिक्चर हमारे यहाँ पर ये कंडीशन है, क्या किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर सोइल टेस्टिंग भी होगी। आप अपनी मिट्टी को लेकर आ जाइए, उसमें पता चल जाएगा कि कितना आपको इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट और डालने की ज़रूरत है। कहीं आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट तो नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा आपका जो यूरिया होता है या फिर आपके जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग यहाँ पर करवाई जाएंगी। इसके अंदर जो डाटा है वो सभी जगहों से लिया जाएगा, मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। जैसे कि हम देख पाएंगे रिमोट सेंसिंग से यहाँ पर डाटा आएगा, हम देखेंगे इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है रेन से रिलेटेड सारा डाटा रखता है वो यहाँ पर डाटा रखेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे करवाने की वजह से सोविंग का यानी बोने का बीज जब बोए जाते हैं वो डाटा यहाँ पर रखा जाएगा। हम देखेंगे एक यूनिफाइड पोर्टल होगा एग्रीकल्चर के स्टेटिस्टिक्स के लिए, पूरा का पूरा बताएगा। मार्केट इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी यूनाइटेड से, और एक जर्नल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वेज यहाँ पर करवाए जाएंगे कि जर्नली जो खेती आप कर रहे हैं उसका एस्टिमेट क्या हो, सर्वे क्या होना चाहिए। तो ये इस तरीके से काम करेगा। इसी के अंदर एक पोर्टल का इस्तेमाल होगा जो कि होगा भाषिनी प्लेटफॉर्म। अब भाषिनी भाषा शब्द से बना है और इसका काम होता है लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। आपने इंग्लिश में कोई सवाल पूछा लेकिन जो यहाँ पर फार्मर है वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपका जवाब जो है वो हिंदी में दे सकते हैं या फिर ओडिया में दे सकते हैं या फिर कोई और जो यहाँ पर भाषाएं हैं। 22nd हम देख पाएंगे कि लैंग्वेज हैं 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस सब में इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। फार्मर्स को एडवाइजरी दी जाएगी सोयल हेल्थ से रिलेटेड कि उनको क्या क्या मिलना चाहिए। सोयल हेल्थ अगर उनकी ठीक है तो उनको कार्ड दिए जाएंगे कि ग्रीन कार्ड आपकी जो मिट्टी की हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, रेड कार्ड मिलेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। IMD से रिलेटेड कोई जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका डाटा उनको अच्छे से दिखाया जाएगा, वेदर का कि कैसे आने वाला है, कब यहाँ पर बारिश हो सकती है, किन दिनों में क्या बताया गया है। ड्रॉट से रिलेटेड अगर कहीं पर सूखा होने की कंडीशंस है तो वहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे। यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए खेती से रिलेटेड, ये सब यहाँ पर होगा। और फार्म डाटा रेस्पिरेटरी बनाई जाएगी। देखिए रिपोजिटरी जो होती है वो होता है एक तरीके से ऑनलाइन। आप पहले क्या करते थे, किसी चीज़ों को ऑफलाइन तरीके से कहीं पर इकट्ठा करते थे, तो ये फार्म डाटा रिपोजिटरी होगी जो कि होगी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तहत एक प्लेटफॉर्म जो डेवलप हुआ जा रहा है एग्रीकल्चर डाटा को लेकर पूरा का पूरा। तो ये है पूरा का पूरा IEEE। हालांकि ये प्रीलिम्स में आने की संभावना बिल्कुल है 2025 के लिए। मेंस में भी इससे एक सवाल बन सकता है, पूरा का पूरा सिर्फ इस स्कीम पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसको आप ऐड कर सकते हो जब भी जहां भी एग्रीकल्चर से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आएगा। तो आज के हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेयर डिड होमो सेपियन गो आफ्टर अफ्रीका, न्यू स्टडी हैज एन आंसर। देखिए होमो सेपियंस की बात हो रही है,
हिस्ट्री की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, कौन होता है होमोसेपियन। होमोसेपियंस यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है होमोसेपियन, और होमोसेपियन का मतलब है हम लोग, आप मैं जो भी यहाँ पर सुन रही हैं बैठे हुए, वो सब इस वर्ल्ड के अंदर फिलहाल जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब के सब होमोसेपियंस ही हैं। लेकिन ये होमोसेपियंस होते नहीं थे पहले, यहाँ पर बहुत सारे हम इवोल्यूशन करके आए हैं। कभी हम ऑस्ट्रोपलिथिस होते थे, ऑस्ट्रोलापिथिकस, कभी एफ्रिकन्स होते थे, कभी रिमंडस हुए, उसके बाद होमो इरेक्टस पे पहुँचे, उसके बाद होमो हैबिलिस के पास हम जाते हैं, और तब कहीं बढ़ते बढ़ते हम होमोसेपियन बन जाते हैं, यानी कि सेपियन, समझदार, मॉडर्न ह्यूमन। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हमारे ही जैसे 60,000 साल पहले और भी ह्यूमंस होती थी, स्पीशीज होती थी, जैसे कि डॉग्स, प्रजातियाँ आपने अलग अलग देखी होंगी, कोई होता है जर्मन सेफर्ड, कोई होता है लेब्राडोर, कोई अलग तरीके से कोई और होगा। तो ऐसे ही जैसे डॉग्स की अलग अलग स्पीशीज़ हैं, वैसे ही गाँव की बुफेलोज की, काउस की, इन सभी की आपने अलग अलग स्पीशीज़ को देखा होगा। लेकिन ह्यूमंस में आप सिर्फ होमोसेपियंस को ही देख पाते हैं, और पहले ऐसा नहीं था। 60,000 साल पहले तक यहाँ पर होमो लुरिजोनोसिस रहते थे, जो कि इस प्रकार से होते थे, फिर होमो इरेक्टस रहते थे, जो कि ज़्यादा बोल नहीं पाते थे लेकिन स्मॉल स्मॉल बैंड्स में रहते थे, होमो फ्लोरेंसिसिस रहते थी, होमो डेनिसोवा रहते थे, और होमो नियंदरथाल रहते थे। नियंदरथाल जो थे वो यूरोप के साइड की तरफ रहते थे, थोड़े बड़े होते थे, सुदृढ़ होते थे शरीर से, और ये अलग अलग समय में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब जो अलग स्पीशीज़ हैं जो होमोसेपियंस के साथ में रहती थी वो ख़त्म हो चुकी है। इनमें से अब आपको कोई भी एक भी नहीं मिलेगा, और केवल होमोसेपियन आज के टाइम पे रह रहे हैं। होमोसेपियन जब स्टार्टिंग में हुए थे तो ये अफ्रीका के अंदर हुए थे, और अफ्रीका से ये अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर चले गए। इन्होंने जब ये यूरोप में जाते हैं तो बहुत सारे नियंदरथाल्स के साथ में लड़ाई की, उनको मारा भी। बहुत सारे नियंदरथाल के साथ में इन्होंने जो अपने फिजिकल रिलेशंस होते हैं वो बनाए, बच्चे पैदा किए, और वो धीरे धीरे नियंदरथाल जो था उनका डीएनए यहाँ पर ख़त्म होता चला गया, और होमोसेपियंस का डीएनए का पुल बढ़ता चला गया। ये है थोड़ा सा ओवरऑल इवोल्यूशन से रिलेटेड हिस्ट्री। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ कि आर्टिकल क्या बात कर रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि होमोसेपियन अफ्रीका से एक्चुअली में कहाँ गए। देखिए, अफ्रीका में हमारी स्पीशीज जो है वो लगभग 3,00,000 साल पहले अफ्रीका के अंदर यहाँ पर आई थी, और उन्होंने 60,000 से लेकर 70,000 साल पहले तक माइग्रेशन शुरू कर दिया कि अफ्रीका से बाहर निकलकर वो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर जाने लगे। तो आज जो हम कहते हैं कि हम लोग इंडियंस हैं, या कोई कहता है कि मैं फिलिपियंस हूँ, वो सब एक्चुअली में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से निकल कर ही आए हुए हैं, क्योंकि होमोसेपियंस की जो ब्रांच है अलग जाके वो यहाँ पर 70,000 साल पहले अलग अलग जाकर हर जगहों पर रहने बसनी शुरू हुई, स्टडी हुई है। उसने बोला है कि देखिए, कुछ समय तक वो 60,000 से 70,000 साल पहले चले, लेकिन कुछ समय तक लगभग 45,000 साल पहले तक वो एक ही जगह तक, जो कि था ईरान, आज का जो इराक है, ईरान है, और साथ में सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर ही बसे रहे, और इसी वजह से इसको बोला जाता है ज्योग्राफिक हब। यानी कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें उनको ज़रूर ठीक लगी जो अफ्रीका में नहीं थी, और इसी वजह से वो यहाँ पर लगभग 25,000 सालों तक बसे रहते हैं। इसी को पर्शियन प्लेटू या फिर हब ऑफ दीज पीपल भी बोला जाता है, जो कि संख्या में बहुत ही कम थे, शायद हज़ारों में होंगे, आज हम बिल्कुल मिलियंस के अंदर जा चुके हैं, बिलियंस के अंदर जा चुके हैं, लेकिन उस समय पे हमारी जनसंख्या जो थी वो काफ़ी कम थी और केवल हज़ारों के अंदर थी। रिजल्ट यही होता है कि ये जो हब था इसके अंदर बहुत सारी इकोलॉजिकल सेटिंग थी। कभी कभी यहाँ पर ग्रासलैंड थे, घास के मैदानों को आप देख पाएंगे, सवाना जैसी चीज़ें थी, फ्लक्चुएशन होती रही टाइम के साथ साथ, जो समय के साथ साथ ये जो ज़मीन थी यहाँ की वो एरिड होती गई, सूखी होती गई, कभी कभी वेट हो जाती थी इंटरवल्स के टाइम में, कभी कभी बारिश हो जाता था, फिर से ग्रासलैंड हो जाते थे। तो हम देखते हैं कि आज जो ये रेगिस्तानी एरिया है वो पहले इस समय पे रेगिस्तानी नहीं होता था, उस समय पे यहाँ पर घास भी होते थे, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुए और आज वहाँ पर कंडीशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसी वजह से यहाँ पर उनको सोर्सेज भी अच्छे मिलते थे। उस समय पे यहाँ पर बहुत सारी शिप्स मिल जाती थी, गोट मिल जाती थी, भेड़ बकरियाँ जो होती हैं वो सबसे पहला और सबसे ऐसे डोमेस्टिकेट करने के लिए होमोसेपियंस के लिए इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, उनको खाया भी, उनको
काबू में करना भी उनके लिए आसान होता था। तो ये सारी की सारी जो रिसर्च यहाँ पर पब्लिश की गई है वो की गई है ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन एट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन्होंने बोला कि उनकी जो डाइट होती थी उसमें बहुत सारे एडिबल प्लांट होते थे। एडिबल क्या होता है? जिसको खाया जा सकता है। तो उसमें छोटे से लेकर बड़े तक के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वो खा सकते थे। हंटर गैदरर ये होते थे, क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे और घुमंतू तो थे ही, साथ में जो चीज़ें होती थी उनको गैदर भी करते थे, इकट्ठा भी करते थे, हंटर गैदर ग्रुप थे। धीरे धीरे इन्होंने सीजनल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया। कभी कभी ये जब ठंड होती थी तो थोड़ा नीचे के स्थानों पर आ जाते थे, लोलैंड की तरफ में, और जब गर्मी होती थी तो माउंटेन्स में जाकर रहना शुरू कर देते थे। उस समय पर एसी नहीं होती थी ना। और यहाँ पर इन्होंने जैसे ये बाहर निकले तो क्या हुआ, आर्ट बनानी शुरू कर दी। देखिए केव आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जब कल्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग तरीके की आर्ट होती है। केव का मतलब होता है यहाँ पर जो गुफाएं थी, क्योंकि उस समय पे जो घर इनके होते थे वो गुफाओं में, पहाड़ों में ही बने होते थे। तो क्या करते थे कि उसी में इन्होंने अलग अलग पत्तों से, पेड़ों से, इन सब से कलर को निकाल कर डिस्ट्रैक्ट करके क्या किया, उसके अंदर आर्ट करनी शुरू कर दी। कभी कभी ये केव जो है इसकी छतों पर आर्ट बनाते थे, कभी कभी इसकी दीवारों के ऊपर आर्ट बनाते थे, और लगातार जब नई नई आर्ट के ऊपर आर्ट बनती रहती थी, पत्ते के ऊपर पत्ते आती रहती थी उनके पत्थरों के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि अलग अलग यहाँ पर स्पीशीज़ के जो लोग थे, अलग अलग जनरेशन्स के जो जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने कितनी जनरेशन्स तक इसको बनाया। तो वो एक तरीके से अपनी छाप यहाँ पर छोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से शायद वो कल्चर की अचीवमेंट्स को दिखा सकते थे। शायद वो जो डिस्प्रेशन हुआ डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, जो जेनेटिक डाइवर्जेंस आई है प्रेजेंट ईस्ट एशियन और यूरोपियन के अंदर, वो उन सब चीज़ों का यहाँ से जवाब मिल सकता है। पर्टिकुलरली यही है कि लगभग 45,000 से लेके 35,000 साल तक बहुत सारे जो ओल्डेस्ट जीनोम है फिलहाल होमोसेपियन के, वो हमें मिल जाते हैं। और यही यहाँ पर जर्मनी की जो यूनिवर्सिटी है लियोनार्डो वलीना, उसके अंदर भी ये बातें यहाँ पर बताई गई है। खैर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेंस में इतनी एंशंट आने नहीं वाली है, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको अलग अलग स्पीशीज समझा दिया, होमोसेपियंस क्या होता है, इनका एवोल्यूशन समझा दिया, और साथ ही में स्टडी क्या कहती है। इसके अलावा क्योंकि ये मेंस में क्यों नहीं आएगी, सोचिए आपकी जो मेंस की GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है वो एक्चुअली में 18th सेंचुरी के बाद से पूछी जाती है। उससे पहले आप 14वीं से 15वीं सदी तक का यहाँ पर पढ़ेंगे, आप रेनेसा पढ़ेंगे, आप रेफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप एज ऑफ डिस्कवरी पढ़ेंगे, लेकिन वो सब आपको पढ़ना होता है थोड़ा सा पीछे जाकर अपना बेस बनाने के लिए। हो सकता है कि उसमें से भी सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाए, लेकिन मेनली जो आपकी होगी वो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को ही पूछा जाता है, मेडिवल को भी यहाँ पर नहीं पूछा जाता। तो इसी वजह से ये आर्टिकल प्योरली आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, और जितने मैंने आपको फैक्ट बताए वो शायद ज्यादा ही बता दिए, आर्टिकल में इतना कुछ बताया ही नहीं गया था। सो खैर, आज हमारे जो दोनों न्यूज़पेपर है वो यहीं पर खत्म होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं कल आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।